अस्सलाम वालेकुम मेरे क्लास, क्या हाल है बेटा, कैसे हैं? ठीक है। तो चैप्टर नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो चुका है और लास्ट में हमने कल एक फार्मूलाज की रिव्यू शीट की थी। मैंने कहा था कि प्रॉब्लम्स खुद से अटेम्प्ट करें, जो चीज़ समझ में ना आए वो मुझसे पूछें और मैं आपको प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है मैनुअल वो रेफ़र कर दूँगा। और इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि बेटा कि सॉल्व एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो आती हैं पेपर में। आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 13। और चैप्टर नंबर 13 जो है इसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। इस चैप्टर में जो डिस्कशन है, वो है दो चीज़ों पे, स्पेशली करंट पे, ठीक है, वोल्टेज पे और रेजिस्टेंस पे। लेकिन बेसिक से उठाते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक कंडक्टर है, से ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर की निशानी क्या है, उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, पहली बात। दूसरी बात, उसके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी गैप है वो कम होगा। यही बात है ना, कंडक्टर की निशानी यही है ना, कि वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करवाएगा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, टंगस्टन, सिलिकॉन, मरकरी, पानी, ये सब क्या है, ये सब कंडक्टर्स हैं, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, तो कंडक्टर्स की बैंड थ्योरी हमें पता है कि इंसुलेटर और कंडक्टर में मेन फ़र्क ये है कि इंसुलेटर का वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में इतनी आसानी से नहीं आता, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इतनी आसानी से नहीं आता, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ये कंडक्टर है, लेट से कोई वायर, ये कंडक्टर कितनी शेप्स में अवेलेबल हो सकता है, कितनी शेप्स में अवेलेबल हो सकता है, वायर या फिर प्लेट। अभी मेरे हाथ में थोड़ी देर पहले एक स्केल था, उसको हम प्लेट कह सकते हैं, प्लेट कह सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि इसके पास गोल एरिया नहीं है, क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, ठीक है। तो पहले ज्योमेट्री डिस्कशन कर रहा हूँ, ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वायर, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्लेट या फिर स्ट्रिप, प्लेट या फिर स्ट्रिप, पीस एक छोटा सा। इसके पास एरिया है और लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है और लेंथ है। इसके पास क्या है, इसके पास सॉरी विड्थ है और लेंथ है, तो टेक्निकली इसके पास वॉल्यूम भी है, इसके पास वॉल्यूम नहीं है, सही है ना, इसके पास वॉल्यूम, क्योंकि थिकनेस बहुत स्मॉल होती है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल थिकनेस लेते हैं हम। अच्छा, होगा क्या, मैंने एनालाइज कर रहा हूँ कि भाई वोल्टेज से पहले जब मैंने कंडक्टर को कोई भी एनर्जी नहीं दी, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर की सरफेस पे अपनी मर्ज़ी से मूव कर रहे हैं,
चाहे वो इस शेप में हो या इस शेप में हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। सही है। बेसिक कॉन्सेप्ट वोल्टेज का क्या है? वोल्टेज इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर चार्ज। यही बताया था ना पिछले चैप्टर में कि जब हम किसी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करते हैं तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क आएगा उतनी ज़ोर का झटका उसको लगेगा, इसको हम वोल्टेज कहते हैं। और इसी वोल्टेज से हम काइनेटिक एनर्जी भी मालूम कर लेते हैं। कैसे? सिंपल, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज इज बेसिकली चार्ज मल्टीप्लाई बाय द वोल्टेज। चार्ज मल्टीप्लाई बाय द वोल्टेज, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतनी ज़्यादा एनर्जी। सो व्हाट इज हैपेंड बिफोर इट, क्या हो रहा है इस वक्त? ये हो रहा है कि जब इसको कुछ नहीं दिया गया तो इसकी सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी मर्जी से मूव कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हमारी लैंग्वेज में मैं कहता हूँ ये सिचुएशन ऐसी है जैसे जैसे चांद रात। ये सिचुएशन ऐसी है जैसे चांद रात। चांद रात वाले दिन क्या होगा? अगर मैं चांद रात की पिक्चर ऊपर से लूँ तो लोग अपनी मर्जी से मार्केट के अंदर चल रहे हैं, रश है, नोबडी इज कंट्रोलिंग देम। ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज़ सुनी होगी बैटरी। क्या सुनी होगी? और ये भी सुना होगा कि सॉकेट के अंदर वोल्टेज होता है। सही है। मैंने इस कंडक्टर को बैटरी के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर दिया। सही है। द लॉन्ग बार, ये कहता है सर्किट डायग्राम। द लॉन्ग बार शोज प्लस टर्मिनल एंड द शॉर्ट बार शोज माइनस टर्मिनल। ठीक है। द लॉन्ग बार शोज प्लस टर्मिनल एंड द शॉर्ट बार शोज माइनस टर्मिनल। ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, मैंने ये कंडक्टर लिया, और कंडक्टर लेने के बाद इसको बैटरी के दो वोल्टेज दो टर्मिनल्स के साथ अटैच कर दिया। उससे पहले सिचुएशन क्या थी कि इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ चल रहे हैं, चांद रात वाली सिचुएशन थी ना। अब क्या होना चाहिए? अगर मैंने यहाँ प्लस वोल्टेज दिया है तो प्लस टर्मिनल के पास कौन सी फील्ड है? पॉजिटिव। कौन सी फील्ड है? पॉजिटिव। तो इसके एंड पे एक टर्मिनल बनेगा पॉजिटिव, इसके एंड पे दूसरा टर्मिनल बनेगा कौन सा? नेगेटिव। अब क्या मसला है? मसला ये है कि पॉजिटिव अपनी जगह पर है, नेगेटिव अपनी जगह पर है। पॉजिटिव अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, अपनी साइड चेंज नहीं कर रहा, नेगेटिव अपनी साइड चेंज नहीं कर रहा। ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है डीसी। क्या कहलाती है? डीसी, डायरेक्ट करंट। इसके अंदर जो करंट होगा वो डीसी होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अपनी मुसलसल जगह तब्दील करते रहें, पॉजिटिव इधर आ जाए, नेगेटिव उधर आ जाए, पॉजिटिव इधर आ जाए, नेगेटिव उधर आ जाए, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की साइकिल चलती रहे, तो अब ये कहलाएगा एसी। जो घर में आता है ना वो एसी वोल्टेज है। उसमें आप प्लग ऐसे करके लगाएं या प्लग ऐसे करके लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यूपीएस जो आउटपुट देगा वो डीसी होगा। उसके लिए प्लस भी फिक्स है, माइनस भी फिक्स है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि भाई क्या हुआ जब हमने इनको वोल्टेज दिया? तो वोल्टेज देने का मतलब क्या है? मैं क्या दे रहा हूँ?
basically what I am giving, I am giving the energy. This is work done per charge. तो work done per charge क्या करेगा, charge को move करवाएगा from one point to another. कहाँ तक हो सकता है conductor में, conductor के एक end से लेके दूसरे end तक. This is the maximum work that you can do. अगर आप इस conductor पे मौजूद charges को electrical energy देंगे, उनको झटका देंगे, voltage देंगे, energy देंगे, तो एनर्जी देने के बाद वो कहाँ से कहाँ तक वर्क होगा उन पर, मैक्सिमम वर्क होगा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, इससे ज़्यादा नहीं होगा. ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर की सरफेस को छोड़कर चले जाएं, और अगर ऐसा हो भी तो जितने छोड़ के जाते हैं उतने ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है. कंडक्टर का चार्ज, टोटल चार्ज करंट से पहले करंट के बाद सेम रहना चाहिए, चार्ज कंजर्व रहता है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि भाई वोल्टेज जब हम देते हैं, हम उस चार्ज को मूव करवाते हैं, मूव तो वो पहले से ही कर रहा है, मूव तो वो पहले से ही कर रहा है, फिर क्या मसला हुआ, वोल्टेज देने के बाद आपने उस चार्ज को ज़बरदस्ती मूव करवाना शुरू कर दिया. यही सिचुएशन थी ना चांद रात वाली. अगर मैं कहूँ कि इस चांद रात वाली सिचुएशन में कोई पुलिस वाला आ जाए और वो ये कहे कि भाई जेंट्स एक तरफ हो जाएं, लेडीज़ एक तरफ हो जाएं, अब मूवमेंट तो पहले भी थी, मूवमेंट तो पहले भी थी, अब क्या हुआ, अब मूवमेंट अलाइन हो गई. क्या हो गई, अलाइन हो गई. मूवमेंट क्या हो गई, ये अलाइनमेंट कौन करवाएगा, ये कॉमन सेंस है कि भाई पुलिस वाला. यहाँ ये अलाइनमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड करवाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही चार्ज पार्टिकल को अलाइन करवा सकती है, इधर जाओ इधर नहीं जाओ, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फोर्स जैसी अप्लाई होगी तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी ना, तो या तो उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिपेल करेगी या पर्टिकुलर डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगी, उसे अलाइनमेंट पॉसिबल है. तो सबसे पहली बात कि वोल्टेज देने के बाद हम दो काम करते हैं, वोल्टेज को कहते हैं कि इनके मोशन को और ज़्यादा स्पीड अप कर दो, किन के मोशन को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को स्पीड अप कर दो. वोल्टेज जैसी आएगा एक्सटर्नल एनर्जी आएगी, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल अगर पहले ऐसे था तो वह ऐसे होना शुरू हो जाएगा. दूसरा, वोल्टेज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हुई है वो क्या करेगी, वो इनको अलाइन करने की कोशिश करेगी, कहेगी नेगेटिव नीचे हो जाएं, पॉजिटिव ऊपर हो जाएं, और फिर सीक्वेंस में सब चलते रहें डिसिप्लिन के साथ. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. दो फंक्शंस बताए हैं अभी मैंने, वोल्टेज जब हम देते हैं तो ऑलरेडी वोल्टेज के पास एनर्जी मौजूद है, जब हम वोल्टेज कंडक्टर को दे रहे हैं तो हम उस कंडक्टर की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं डाल रहे, सिवाय इसके कि मजबूर कर रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन में आ जाएं, मोशन में वो ऑलरेडी हैं, बस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएं और थोड़ी एनर्जी उनकी ज़्यादा हो जाए, बस और कुछ नहीं कर रहे, और कुछ भी हम नहीं कर रहे. यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया. अच्छा, ये अब मसला कहाँ है, मसला ये है, इसको समझते हैं. मैंने क्या कहा, मैंने कहा जैसे ही कंडक्टर को मैं वोल्टेज दूंगा तो कंडक्टर की मौजूद सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक तो अलाइन हो जाएंगे और उनके पास एनर्जी भी आ जाएगी. उससे पहले भी वो मोशन में थे पर अपनी मर्जी से, भाई बगैर वोल्टेज के कंडक्टर की सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, मक्खी तो नहीं मार रहे, तो जाहिर सी बात है वो घूम फिर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है, उनके पास एनर्जी है, लेकिन रैंडम मोशन है. यहाँ तक समझ में आ गया, एसी और डीसी का फ़र्क समझा रहा हूँ. जब डीसी होगा तो मैंने क्या बताया, टर्मिनल अपनी जगह चेंज
नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होगा वो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि फील्ड की स्ट्रेंथ किस तरफ है, डिपेंड करता है कि फील्ड की स्ट्रेंथ। अच्छा, अब ये हो रहा है जब टर्मिनल फिक्स हैं, टर्मिनल फिक्स हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम फिर रहा था, जैसे ही टर्मिनल फिक्स किए इलेक्ट्रॉन अलाइन हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो गया या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो गया, और एनर्जी भी थोड़ी बढ़ गई, दो चीज़ें एक्टिवेट हुई ना। जहाँ वोल्टेज होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, जहाँ वोल्टेज होगा वहाँ, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमें पता है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज का एक गहरा ताल्लुक है। समझ में आ गया? ये जिसमें इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे जाएंगे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, अलाइन भी होंगे, एनर्जी भी रेज करेंगे, वो कहलाएगा डीसी। वो क्या कहलाएगा? डीसी। ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले में क्या होगा? अब ये अलाइन तो हो गए, लेकिन मसला क्या आ रहा है? प्लस माइनस बार बार चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर रैंगलिंग आ रही है, रैंगलिंग आ रही है। पहले आगे जाता है फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है फिर पीछे आता है, रैंगलिंग हो रही है, जैसे कि सांप करता है। क्या करता है? रैंगलिंग करता है। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे क्या करेगा? रैंगलिंग करेगा। डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी फास्ट है रैंगलिंग फास्ट हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी स्लो है रैंगलिंग भी स्लो हो जाएगी, राइट? ये कहलाता है एसी। अल्टरनेटिंग करंट को अल्टरनेटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो रैंगलिंग वाला है। डीसी को डीसी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का जो या चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वो बिल्कुल सीधा सीधा है, बिल्कुल सीधा सीधा है। इसमें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फिक्स्ड है डीसी में, एसी में हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल फिक्स नहीं होता, चेंज करते रहते हैं। एक कभी हाई बन जाता है, कभी लो बन जाता है, कभी लो बन जाता है, कभी हाई बन जाता है। अच्छा, अब करंट कहाँ है? वेयर इज द करंट? हाउ डू वी डिफाइन द टर्म करंट? नॉर्मली जो पढ़ाया जाता है वो कहा जाता है कि करंट आई इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज का फ्लो है, यही पढ़ाया जाता है ना। नॉर्मली क्या पढ़ाया जाता है? नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग पर सेकंड, देन ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस पास होंगे ऑटोमेटिकली करंट ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिकली करंट ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ और है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कुछ और है करंट का। वो क्या है? आप लोगों ने कभी कभी पानी की लहरों को देखा है? कभी देखा हो समंदर वगैरह पे? लहर चलती है लेकिन लहर के ऊपर भी कुछ और होता है। अगर कागज़ की कश्ती को लहर के ऊपर रखें तो वो कश्ती कहीं और जा रही होगी। एक कॉन्सेप्ट देने के लिए बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई आप आराम से बैठे हुए हैं, कोई चीज़ आए और आके आपकी चेयर के अंदर से बीच में से ज़बरदस्ती घुसना शुरू हो जाए, सो व्हाट विल हैपन? यू विल गेट डिस्टर्ब। जब तक ये अपनी मर्जी से चल रहे थे तो इनकी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो सब न्यूट्रलाइज हो रही थी। अब ये अलाइन हो गए, क्या हो गए? अलाइन हो गए, इनको कोई डायरेक्शन मिल गई, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, इनको कोई डायरेक्शन मिल गई। जैसे ही अलाइनमेंट हुई तो अलाइनमेंट करने के लिए डिस्टर्बेंस होगी या नहीं होगी? होगी ना,
उस डिस्टरबेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब होगी, क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टरबेंस को, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टॉर्शन कहते हैं, क्या कहते हैं? डिस्टॉर्शन, इसी को ही कहते हैं करंट। करंट तभी प्रोड्यूस होगा जब हम वोल्टेज देंगे, और वोल्टेज देने के बाद इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल्स अपने आप को अलाइन करेंगे, और इस अलाइनमेंट के चक्कर में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो गई, जो पहले क्या थी? बैलेंस थी, अब क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। भाई पहले इस सिचुएशन में तो नहीं आना चाहते ना वो, नेचुरली इस सिचुएशन में तो नहीं आना चाहते। वो क्यों आना चाहेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे हमें तो ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो, हमें तो जैसे हैं हमें वैसे ही रहने दो। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, वोल्टेज दिया है, ज़बरदस्ती की है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई है? डिस्टॉर्ट। इस डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसीलिए करंट फंडामेंटल नहीं है, चार्ज फंडामेंटल है। चार्ज होगा, फील होगी, फील होगी फोर्स होगी, फील होगी पोटेंशियल होगा, फील डिस्टर्ब होगी करंट होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो एसी करंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टॉर्शन होती है यूनिफॉर्म, डीसी करंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टॉर्शन होती है नॉन यूनिफॉर्म, बार बार डिस्टॉर्ट होती है चार्ज के मोशन की वजह से। यह ऐसे है कि जैसे कोई मछली पानी के अंदर तैर रही हो, तो जब वो पानी के अंदर तैरेगी तो पानी को डिस्टर्ब करेगी ना। भाई एक एक्वेरियम लेता हूँ और उस एक्वेरियम के अंदर पानी रख देता हूँ, थोड़ी देर के बाद क्या देखोगे आप? आप देखोगे पानी बिल्कुल स्टेबल हो गया, बिल्कुल स्टेबल हो गया। अब आप इसमें मछली इंसर्ट कर दो तो क्या होगा? मछली वाइब्रेट करेगी, पानी जहाँ वो वाइब्रेट कर रही है वहाँ से पानी डिस्टॉर्ट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। इस डिस्टॉर्शन को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्या वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज अप्लाई करने से पहले क्या होता है? वोल्टेज अप्लाई करने के बाद क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्या कर रही होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जब हो जाती है एक्टिवेट तो डिस्टॉर्शन हो जाती है, तो क्या होता है? ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। टाइम बताओ। ओके, तो वो ऐसा करेंगे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ के बाद ओम्स लॉ करंट, करंट की टाइप्स और रेजिस्टेंस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।